बाद में हमने आपको सेव्स वाले ऑप्शंस बता दिए थे, बट अपने आधे रह गए थे, पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे। तो अपन यहाँ पे सेव्स ले लेते हैं कोई सा भी, ये जैसे हमने ये लिया और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इस सेव को जब आप ले लेते हैं कोई सा भी सेव, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया, टॉप बॉटम मिडल, यहाँ तक बता दिया था, तो आ गया था आप सभी को। तो उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए तो फिर ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्रिएट लिंक। अभी आप देख रहे ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। हमने जब सेव पढ़ाना स्टार्ट किया था, सेव के ऑप्शंस बताना स्टार्ट किया था, तो हमने बोला था कि ये जो ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये इसके लिए यूज होता है। तो अब अपन इसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप सेव ले लेंगे, इस सेव में आप कुछ डाटा फिल करके रखना चाहते हैं, तो आप डाटा ले लेंगे। आप तो हम कैसे लेते हैं, इक्वल आर एन डी रैन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। अब इसमें आपका ये पूरा डाटा फिल नहीं हो पा रहा, मतलब बन नहीं रहा है इसमें, ये बहुत सारा डाटा है। आप चाहते हैं ऑटोमेटिक दूसरे इसमें आ जाए सेव में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर देंगे। तो आ गया आपका ये टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका ये वाला जो सेव है वो आप पहले सेव लेंगे, सेव में आप फिर डाटा फिल करेंगे, फिर आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेना है, फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया ऑटोमेटिक, पेज के बाद आपका नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आ गया, ऑटोमेटिक इसमें ले लेगा डाटा आपका। याद रखना है क्या करना है, दोबारा बताएं क्या, कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपने ये सेव लिया, सबसे पहले तो सेव्स कहाँ से लेंगे आप, इंसर्ट टाइप पे जाके यहाँ से किसी भी टाइप का ले सकते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग लिया, आप आपके अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, इसमें अब आपको डाटा फिल करना है, तो इक्वल आर ए एन डी रैन के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। ठीक है, अब इसमें डाटा ओवर आ रहा है आपका कि बन नहीं रहा है, आप नेक्स्ट में लेना चाहती हैं तो वो सेव में नहीं आएगा। अगर आप दोबारा सेव लेंगे फिर क्रिएट की लिंक करेंगे तो वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये ऑप्शन दिया है आपका। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपन इसको ड्रैग कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, जिस शेप में आपने टैक्स लिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ड्रॉ टैक्स बॉक्स है इसी को सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट रहने देते हैं और फिर आप ये क्रिएट लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपका अप्लाई नहीं होगा। देखिए नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जिस बॉक्स में, जिस शेप में आपने टैक्स लिया हुआ है वो शेप सेलेक्ट करना है। तो अपना इस शेप में है ऊपर वाले में, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे आप सभी के इस ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है यहाँ पे पोजीशन, आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको टॉप में लेफ्ट साइड रखना है, सिर्फ टॉप में, बीच में मतलब सेंटर में रखना है, टॉप में आपको राइट साइड लेना है। तो ये टॉप के लिए रहते हैं, पर कब, जब आपके पास यहाँ पे क्या होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के आउटसाइड ये सेव आ जाता है आपका, जैसे अपन ने पिक्चर में किए थे, बता दें या फिर आता है वॉइस। ठीक है, ये तीन रहते हैं मिडिल के लिए। मिडिल में मतलब कि आपको लेफ्ट साइड रखना है, सेंटर में या राइट साइड, ये तीन रहते हैं बॉटम के लिए, टेक्स्ट के आउटसाइड आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद रैप टैक्स रहता है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स है और सेफ है, किस पोजीशन में आपको सेफ को टैक्स को लेना है उसके लिए रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लेंगे। इसके बाद विंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये दो सेफ या दो पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए रहता है। ठीक है, और ये रहता है हाइड करने के लिए। नहीं आ जाएंगे, देखिए नहीं आया तो पूछ लेना बाद में, ये मत बोला कि मैडम तो बोलती थी आ जाएंगे और हम भी बोलते थे आ जाएंगे, आएंगे, पर आए नहीं। चलिए हम इसे पे ऐसे हटाते हैं,
इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन ये शेप लेते हैं, ये वाला। देखिए अब हम बाद में बोलेंगे, पहले अपन क्या करते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, लाइट कलर में ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी आउटलाइन अपन ब्लैक कर लेते हैं और इसमें अपन एरो दे देते हैं, एरोस ये वाले, ठीक है। और थोड़ी सी अपन यहाँ से इसकी विड्थ भी मोटी कर देते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। अब सही है, हम आए जैसे। अब यहाँ पे अपन इसको मूव करके नीचे रखेंगे और यहाँ पे अपन टेक्स्ट ले लेंगे, इक्वल RANDY रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने शेप भी ले लिया है और टेक्स्ट भी लिया है, टेक्स्ट जो है वो आपका छप रहा है शेप के पीछे, तो आप क्या करेंगे अभी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पोजिशन आप टॉप में लेफ्ट साइड देना चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका शेप। अब आप इसे बाद में कभी भी मूव करेंगे ना तो इसके आउटसाइड रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रहता है यहाँ पे, तो आपको किस टाइप में आपको यहाँ पे शेप को लेना है देखिए, विंग टेक्स्ट करेंगे तो शेप पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे इसको ये बोल सकते हैं कि पिक्चर पे आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा लिख सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेप ऊपर, शेप टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये विंग फॉरवर्ड सेंड वर्ड है तो अपन क्या करते हैं एक और शेप ले लेते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, बट हम इसका कलर चेंज करेंगे क्योंकि दोनों सेम रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए पीछे वाला जो है ग्रीन कलर का वो आपको ऊपर लेके आना है, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड, ऊपर आ गया ग्रीन वाला, ब्लू वाला पीछे चला गया। अब आपको ब्लू वाले को ऊपर लेके आना, ग्रीन वाले को पीछे करना, तो ग्रीन फॉरवर्ड कर देंगे, फिर से वही कर देंगे, यहाँ पीछे हो रहे हैं बात। अरे हंस रहे हैं, बताइए इतनी अच्छी बात बताइए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहता है सिलेक्शन पेन, ये सिर्फ हाइड करने के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड ऑल कर देते हैं, दोनों हो जाएंगे, सो ऑल कर देंगे, सो हो जाएंगे दोनों, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा है अलाइन, आपको लेफ्ट साइड रखना है सेंटर में, राइट साइड टॉप बॉटम मिडिल इसके लिए रहती है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप वाला ऑप्शन अभी आपका हाईलाइट नहीं हो रहा। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी शेप या पिक्चर का ग्रुप किया है उन सभी में एक साथ फॉर्मेटिंग होती है, जहां भी जाएंगे वो दोनों एक साथ ही जाएंगे, ठीक है, जहां भी आप उन्हें मूव करेंगे। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखेंगे और इनको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपको ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ग्रुप, तो आप देखेंगे ग्रुप बन गया है, ठीक है। अनग्रुप करना है तो इसी ऑप्शन से आप अनग्रुप कर सकते हैं। अब हमें बिना ग्रुप किए हुए दोनों पिक्चर में, मतलब दोनों शेप में एक साथ फॉर्मेटिंग करनी है, बताइए कैसे करेंगे। हाँ, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें ग्रुप नहीं बनाना, देखिए हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अप्लाई हो रही फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं उस टाइप यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाएगी, और ग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, ठीक। ये हाँ किस टाइप में रखना उसके लिए रहेगा। फिर यहाँ पर रहता है आपका रोटेट, आपको इसको रोटेट करनी है इमेज को, जो भी आपका शेप है या इमेज है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रहता है साइज, साइज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एंड विड्थ मिलती है, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको लेते हैं कंट्रोल जेड करते जाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब अपन यहाँ पे इससे क्या हाइट बढ़ाना चाहते थे, आप एरो इस पे क्लिक करें, देखिए इसमें अप्लाई हो रहा है, ओनली हाइट बढ़ रही है आपकी, ठीक। पिक्चर में क्या हो रहा था, हाइट और विड्थ दोनों एक साथ ले रहा था वो, इसमें ओनली हाइट बढ़ेगी आप एरो पे क्लिक करेंगे, और डाउन पे करेंगे तो कम होती जाएगी हाइट, और विड्थ बढ़ानी है तो